नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गुरु में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी फ़ोटो को ड्राइव में कैसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी फ़ोटो को ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को भी ना स्टेप के स्टेप बाई स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी गैलरी को ओपन कर लेना है। जैसे ही गैलरी को ओपन कर लेंगे, उसमें आपको जिस किसी फोटो को ड्राइव में सेव करना चाहती है उस फोटो के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। उसमें आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, उसमें आपको सेव टू ड्राइव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे सेव टू ड्राइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसको ना आपको यहाँ से अपने फोटो का कोई भी नेम दे देना है ताकि ये फोटो आपको ड्राइव में बिल्कुल आसानी से मिल जाए। जैसे सेव नेम लिख लेंगे, उसको आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी फोटो यहाँ पर ड्राइव में सेव हो चुकी है। दोस्तों, इस प्रकार आप भी अपनी फोटो को ड्राइव में इस प्रकार सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसलिए दोस्तों, मिलते किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।